नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अनइंस्टॉल किया जाए। आप सभी को पता है कि कैसे सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल किया जाता है। एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप apt-wedge.cpl अगर जो रन प्रॉम्प्ट है उसमें लिखेंगे तो ये जो ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स आ जाता है, यहाँ पर आप आ जाते हैं और किसी सॉफ्टवेयर को चूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करते हैं। ये एक कॉमन तरीका होता है अनइंस्टॉल करने का, राइट? कि हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, फिर अनइंस्टॉलर चालू हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जिनके अनइंस्टॉलर फाइल करप्ट हो गई है, तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो। आफ्टर अनइंस्टॉलेशन ऑल्सो, सक्सेसफुल अनइंस्टॉलेशन ऑल्सो जो कि होता है, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स के ट्रेसेस रह जाते हैं। तो मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा जिससे आप सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रिवो अनइंस्टॉलर। तो आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और हम सर्च करेंगे रिवो अनइंस्टॉलर। तो रिवो अनइंस्टॉलर के दो वर्जन्स आते हैं, एक फ्रीवेयर है और एक प्रो वर्जन है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रो वर्जन में कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं, बट दोनों वर्जन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अभी मैं स्टार्ट करने के लिए आपको प्रो वर्जन पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि Why use Revo Uninstaller Pro? क्या क्या बता रहा है? Powerful software uninstall, क्विक अनइंस्टॉल ऑफ वन ऑफ यू प्रोग्राम्स, सभी के साथ कंपैटिबल है, इसका पोर्टेबल वर्जन भी अवेलेबल होगा, रिमूव जंक फाइल्स एंड अननेसेसरी प्रोग्राम फाइल्स एंड ऑल दिस, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो इसमें भी हट जाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी टूल्स ये प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पर अगर जाते होम पे, मैं आपको होम पे ले जाता हूँ, उसके बाद हम ले जाते हैं आपको डाउनलोड्स पे। तो डाउनलोड्स पे आप एक कंपैरिजन देख पाएंगे कि क्या फ़र्क है पोर्टेबल में और प्रो वर्जन में और फ्री वर्जन में। तो आप फ्री वर्जन में देख पा रहे हैं कि ये इसमें 8 एडिशनल क्लीनिंग टूल्स इंक्लूडेड हैं, स्कैनिंग फॉर लेफ्ट ओवर्स आफ्टर द स्टैंडर्ड इंस्टॉल, ये तीनों में कॉमन है। जो चीज़ें इसमें मिसिंग है वो एक फोर्स्ड अनइंस्टॉल, कुछ ऐसे फाइल्स हो जाती हैं जिन पे राइट लॉक लगा होता है, आप उनको हटा ही नहीं सकते, उन पे डिलीट लॉक लगा हुआ है। तो वो अगर आप रिवो अनइंस्टॉलर के फ्री वर्जन से करेंगे तो शायद से वो फाइल्स नहीं हट पाएंगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड प्रो पोर्टेबल, क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी देखिए, कमांड लाइन जो सपोर्ट है ये नहीं होता है फ्री में। जो पोर्टेबल और प्रो में फ़र्क है वो आपको दिख रहा है कि ये अनलिमिटेड कंप्यूटर्स के साथ ये नहीं है, राइट? सूटेबल फॉर यूज़ विद यूएसबी स्टिक, आप प्रो वर्जन को यूएसबी स्टिक के साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्री को कर सकते हो, ये फ्री का एक एडवांटेज है। रिपोर्टिंग भी आपको मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, कि कौन कौन सी फाइल्स जब आप अनइंस्टॉल करते हो तो रिमूव करी गई, दूसरा कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं वो भी आप देख सकते हैं। रजिस्ट्री का बैकअप यहाँ पे एक व्यवस्था है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम चेंजेस एंड लॉग डेटाबेसिस। जब भी आप अनइंस्टॉल कर रहे थे तो जो जो चीज़ें, जो जो फाइल टच की गई, जो जो एक्टिविटीज़ हुई, वो सारी की सारी लॉक की जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ये जो डाउनलोड फ्री ट्रायल है इसको डाउनलोड करते हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर लगने वाला है। आप इसके फ्री वर्जन भी बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, बट अभी मैं आपको जो ट्रायल वर्जन है प्रो का वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉरी, ये सी प्रोग्राम फाइल्स, जो भी पाथ आपको ठीक लगे, एक मैं शॉर्टकट बनवा रहा हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उसको हम चूज़ कर लेते हैं, और ये हमारा
जो रिवो अनइंस्टॉलर है वो अब इंस्टॉल हो गया है और इसको हम लॉन्च कर देते हैं। तो आप जब ये लॉन्च होता है तो आप देखेंगे एक विंडो आई जिसमें कि हमें टॉप पे आप देखें दो टैब्स हैं, ऑल प्रोग्राम्स हमें दिख रहा है, जो जो सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे इंस्टॉल हैं वो इसने सारे दिखा दिए। अब आपको किसी सॉफ्टवेयर को अगर अनइंस्टॉल करना है तो मैं वो आपको तरीका दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अनइंस्टॉल करेंगे। तो मैं पहले तो कोई एक सॉफ्टवेयर चूज़ करता हूँ जो मुझे अनइंस्टॉल करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये स्मार्ट वेयर कंपनी का एक टूल है टेस्ट कंप्लीट, ये ऑटोमेशन में काम आता है, कोई भी स्क्रीन पे या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है उसमें अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो ये माउस के कीबोर्ड के जो क्लिक्स हैं इवेंट सारे रिकॉर्ड कर लेता है, बहुत ही बेहतरीन टूल है ये। तो आप देखेंगे कि मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, अनइंस्टॉल द सिलेक्टेड प्रोग्राम, एक है क्विक अनइंस्टॉल। अब क्विक अनइंस्टॉल में क्या होता है, क्विकली अनइंस्टॉल द सिलेक्टेड प्रोग्राम, ऑल फाउंड लेफ्टओवर्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड, इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप क्विक अनइंस्टॉल पे क्लिक करें, राइट। तो हम क्विक अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और इस पे यस करते हैं। तो ये देखिए क्या बताया इसने कि सिस्टम रिस्टोर फेल हुआ और यहाँ पे इनिशियल एनालाइजिंग डन, स्टार्टिंग द प्रोग्राम्स बिल्ट इन अनइंस्टॉलर डन, यानी अभी जो प्रोग्राम जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हो तो उसका एक इंस्टॉलर होता है एक अनइंस्टॉलर होता है। तो ये बता रहा है कि अनइंस्टॉलर जो है वो इस सॉफ्टवेयर का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ गया, अभी जो स्मार्ट वेयर टूल है उसका ही अनइंस्टॉलर है ये। हमारा मेन पर्पस है कि कैसे हम सारे ट्रेसेस रिमूव करें, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो ये बता रहा है जो भी अनइंस्टॉलर जो इस वेंडर ने दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट वेंडर ने, वो बता रहा है डू यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव द सिलेक्टेड एप्लीकेशन एंड ऑल इट्स फीचर्स, एंड वाला यस। तो ये अभी रिमूव होता है और हम सिर्फ वॉच रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो विंडो है ये आपने बंद नहीं करनी है। यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर द प्रोग्राम्स अनइंस्टॉलर हैज फिनिश्ड, जब प्रोग्राम का अनइंस्टॉलर जो कि ये चल रहा है यहाँ पे स्मार्ट भी है, जब ये बंद हो जाए तब आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, उसके ट्रेसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब इसने एरर दिया कि द टेस्ट कंप्लीट सर्विस इज नॉट रनिंग, दिस सर्विस इज नीडेड टू रजिस्टर और अनरजिस्टर, द रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन वॉज नॉट कम्प्लीटेड। तो ये बता रहा है कि ये पूरी तरह से अनइंस्टॉल नहीं हो पाया है, राइट। जब इस तरह का कुछ केसेस आ जाए तो मैं इसी एग्जांपल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर सर्विस नहीं रन कर रही थी तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्टर्ड कंपोनेंट से वो अनरजिस्टर नहीं हो पाए। अब ये क्या कर रहा है, वैलिडेटिंग इंस्टॉल कर रहा है एंड विल सी का किस हद तक ये कंप्लीट कर पाता है, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू रिमूव द ट्रेसेस। क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर जो आपके मशीन पे जब इंस्टॉल होते हैं तो वो कुछ एजेंट्स भी इंस्टॉल करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि जब भी आपका सिस्टम चालू हो एज अ सर्विस रन कर रहे होते हैं इन द बैकग्राउंड। तो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो ये टेस्ट कंप्लीट की सर्विस एज अ सर्विस बैकग्राउंड में चल रहा होता है। और अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन किया था तो हमने उस सर्विस को डिसेबल कर दिया था, इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हुआ है अभी अनइंस्टॉलेशन में। बट नेवर माइंड, अभी हम ये बस देखना चाहते हैं कि जो ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन का अनइंस्टॉलर है ये कहाँ तक अनइंस्टॉलेशन में सक्सेसफुल होता है, उसके बाद जो ट्रेसेस हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रिवो के द्वारा। तो आप यहाँ पे रिवो में थोड़ा सा टॉप में अगर देखेंगे तो ये 30 डेज का ट्रायल है,
तो ये बता रहा है 29 डेज आर रिमेनिंग और ये एक अनरजिस्टर्ड वर्जन है। यस, हमने इसके लिए कोई लाइसेंस खरीदा नहीं है और ना ही हमने प्रोडक्ट वेंडर के पास इसको रजिस्टर किया है। तो ये जो एप्लीकेशन का अनइंस्टॉलर है इसको हम पहले वेट करते हैं, जब कब तक टर्मिनेट नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेफ का रेडियो बटन है, एक मॉडरेट है, एक एडवांस्ड है, सबके बारे में कोई टूल टिप भी आ रही है। इंक्लूड्स द मॉडरेट मोड एंड परफॉर्म्स अ डीप एंड थॉरो स्कैन टू फाइंड ऑल द एप्लीकेशंस लेफ्ट ओवर इन्फॉर्मेशन इन द रजिस्ट्री एंड ऑन द हार्ड ड्राइव। दिस इज द स्लोएस्ट मोड। जब हमें किसी भी एप्लीकेशन को पूरी तरह से सिस्टम से हटाना होता है तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये सबसे बढ़िया रहता है। अब ये रेडियो बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैं इस कंटिन्यू बटन पे तभी क्लिक करूंगा जब ये मेरा जो अनइंस्टॉलर है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जो एडवांस मोड है वो थोड़ा स्लो है लेकिन वो आपके सिस्टम से पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को उड़ा देता है, वही हमें देखना है अभी। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू फिनिश। ये काफ़ी आप कई बार ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं आपके मशीन में जिसको आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो उसको अनइंस्टॉल? क्योंकि उसका अनइंस्टॉलर करप्ट हो गया है, ये अनइंस्टॉलर है ही नहीं, डिलीट हो चुका है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी आप रिवो को यूज़ कर सकते हैं। रिवो एक बहुत ही बढ़िया अनइंस्टॉलर है और काफ़ी सारे जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, आईटी गाइज होते हैं, वो नेटवर्क एडमिन्स, वो इसको काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं क्योंकि इससे आप मशीन को पूरी तरह से क्लीन कर पाते हो कुछ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये स्मार्ट पेयर वाली जो एप्लीकेशन है काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको अनइंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी देखिए ये भी बता रहा है कि रिमूविंग बैकअप फाइल्स, ये सब अनइंस्टॉलर में डिफाइन है। तो ये अनइंस्टॉलर जो है, ये देखिए आप यहाँ पे मैसेज आया अनइंस्टॉल कंप्लीट। अब इससे हम फिनिश पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस रिवो पे आ जाते हैं जो आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है और हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ताकि जो रिवो है वो हमारा जो टेस्ट कंप्लीट 12 सॉफ्टवेयर है इसके अब सारे ट्रेसेस हार्ड डिस्क से और रजिस्ट्री से, विंडोज की रजिस्ट्री से ढूंढे। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि उसने उसको ढूंढा और उसके बाद उसने आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्विक अनइंस्टॉल कंप्लीट हुआ है और इसने नीचे दिखाया कि 534 लेफ्ट ओवर थे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो कि इस सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉलर रिमूव नहीं कर पाया था। वो रजिस्ट्री की जिसने हटाई हैं, दो लेफ्ट ओवर्स ऐसे थे जो फोल्डर्स थे उनको डिलीट कर दिया है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आपके मशीन से चला गया है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्राम है पूरी तरह से किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप फाइल में जाते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उसकी आप रिपोर्ट ले सकते हैं HTML फॉर्मेट में, राइट, ताकि आप कोई भी एक्टिविटी करने वाले हैं तो आप एक स्नैपशॉट पहले ले लेंगे कि हाँ ये एप्लीकेशन हमारे पे इंस्टॉल थी। गलती से आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ना इंस्टॉल कर दें, राइट। तो ये रिपोर्ट आप HTML पे क्लिक करेंगे और आप इसको सेव कर सकते हैं बाद में। यहाँ पे एक व्यू है तो व्यू में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। अब आइकन्स हैं, मैं अगर लिस्ट कर दूंगा तो एज अ लिस्ट दिखाई देने लग जाएंगे, राइट। डिटेल्स, तो हर एक की मुझे अब डिटेल देखने लग जाएगी। तो ये अपने हिसाब से आप व्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए।
आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं दो, ट्रेस्ड प्रोग्राम्स और लॉग डेटाबेसेस। तो अगर ट्रेस्ड प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करते हैं तो अभी इस समय ट्रेस्ड प्रोग्राम्स कोई नहीं है क्योंकि हमने किसी प्रोग्राम को ट्रेस ही नहीं किया है, राइट। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वे सारे प्रोग्राम्स होंगे जब आपने कोई न्यू एप्लीकेशन, अब आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये बोलेगा कि क्या आप चाहते हैं उस इंस्टॉलेशन को रिवो मॉनिटर करे। तो अगर आप चाहते हैं उसको रिवो मॉनिटर करे तो रिवो उसके सारे के सारे ट्रेसेस को रिकॉर्ड करता रहेगा, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी रिवो के द्वारा तो कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया नहीं गया है, हमने सिर्फ अनइंस्टॉल किया है। अगर आपको इंस्टॉल करना होता रिवो के द्वारा तो आप इंस्टॉल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर सकते थे। तो यहाँ से फिर आप उस प्रोग्राम का, अगर बाइनरी आपने कोई डाउनलोड किया है exe या msi फाइल, तो आप उसको दे देंगे और फिर रिवो खुद से उसका इंस्टॉलर रन करता है और इंस्टॉल हो जाने के बाद वो प्रोग्राम ट्रेस्ड प्रोग्राम्स में अपीयर होने लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो लॉग एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। जब ये आप इंस्टॉल प्रोग्राम से इंस्टॉल करेंगे तो उसके लॉग भी मेंटेन करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि रिवो अनइंस्टॉलर के साथ आते हैं। अभी आपने अनइंस्टॉलर यूज़ किया, यहाँ पे देखिए एक आता है जंक फाइल्स क्लीनर। तो आप जंक फाइल्स क्लीनर को ज़रा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन कौन सी आपको ड्राइव्स स्कैन करनी है या कौन कौन से फोल्डर आप स्कैन करवाना चाहते हैं, तो आप स्कैन फोल्डर पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन का बटन है, जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करेंगे ये आपकी जितनी भी क्रैप फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए, जंक फाइल्स क्लीनर अलाउज यू टू फाइंड एंड रिमूव वेरियस टाइप्स ऑफ जंक एंड अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। मैंने आपको ये दिखाया था पिछले वीडियो में कि सीसी क्लीनर से भी आप काफ़ी सारा जंक और जो क्रैप है उसको रिमूव कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक टूल दिया गया है जिसको हम जंक क्लीनर बोलते हैं, इससे भी आप रिमूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप देखना चाहेंगे। एक ब्राउज़र क्लीनर है जिससे आप ब्राउज़र्स की कैशे और हर चीज़ कुकीज़ क्लीन कर सकते हैं। एक विंडोज़ क्लीनर है जैसे आप सिस्टम के लॉग्स, इवेंट व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन लॉग्स, टेम्प फाइल्स क्लीन कर सकते हैं। एक एविडेंस रिमूवर है, इसको आप जरा देखिए। एविडेंस रिमूवर का मतलब क्या है, प्लेस अ चेक मार्क ऑन द ड्राइव विच कंटेन्स ट्रेसेस एंड एविडेंस ऑफ योर वर्क दैट यू वॉन्ट टू डिलीट। सो बेसिकली आपने कोई काम किया हुआ है, दिस टूल ओनली अफेक्ट्स द ऑलरेडी डिलीटेड डेटा, जो भी डेटा डिलीट हुआ है, राइट। आपने इस पर कुछ एक्टिविटी करी, कुछ आपने चीज़ें, कुछ सॉफ्टवेयर्स डिलीट किए, कुछ रजिस्ट्री से एंट्रीज हटाई, अब वो जो भी डेटा डिलीट हुआ है उसको पूरी तरह से वाइप आउट करना है ताकि इट विल बी इम्पॉसिबल टू रिकवर योर डिलीटेड फाइल्स। तो एविडेंस रिमूवर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमने जो भी फाइल्स डिलीट किए हैं उनको अब रिकवर किया ही ना जा सके, उनको पूरी तरह श्रेड करना है, तो हम ये एविडेंस रिमूवर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अनरिकवरेबल डिलीट है, ओके। अनरिकवरेबल डिलीट से क्या है, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विच विल बी डिलीटेड एंड विल बी मेड इम्पॉसिबल टू रिकवर। ये और एविडेंस रिमूवर में बस थोड़ा सा ही फर्क है कि एविडेंस रिमूवर आपकी सारी एक्टिविटीज जो आपने करी हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो डिलीट एक्शंस थे केवल उनको ही वाइप आउट करता है। ये क्या है, इसमें आप ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स खुद से डाल सकते हो जिनको पूरी तरह से इरेज करना है। इसमें क्या था कि आप एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं, आप डिलीशन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको रिमूव करना है। यहाँ पे क्या है, आपने अभी तक डिलीशन किया नहीं है, जिसको आप डिलीट करने वाले हो उस फाइल या फोल्डर को इसके अंदर डाल दीजिए, फिर डिलीट फॉरएवर के बटन पे क्लिक कर दो, तो वो फाइल या फोल्डर दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा, राइट।
फिर यहाँ पे एक बैकअप मैनेजर भी है। अगर हम बैकअप मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी हमने स्मार्ट बीयर टेस्ट कंप्लीट 12 वर्जन 12 टेस्ट कंप्लीट का इसको अनइंस्टॉल किया था, राइट। तो ऑपरेशन क्या था, क्विक अनइंस्टॉल। रजिस्ट्री आइटम्स भी हमने उड़ाए थे, फाइल्स एंड फोल्डर्स 0। कितने बजे ये एक्टिविटी हुई, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है जो जो एक्टिविटी आप रिवो अनइंस्टॉलर को यूज करके कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिन्स हैं वो आके देख सकते हैं कि हाँ इस एप्लीकेशन के द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ करिए। और बहुत सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे देखे, जंक फाइल्स को क्लीन करना, एविडेंस रिमूव, अनरिकवरेबल डिलीट। फिर आपने देखा कि ब्राउज़र को, अगर ब्राउज़र कैशे पूरी तरह से क्लीन करनी, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा यूज्ड एप्लीकेशन सूट है, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारा गार्बेज और जंक डेटा रह जाता है, तो आप उसको क्लीन करने के लिए विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लीनर जो टूल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैंने उसको सिलेक्ट किया तो ये मुझे बता रहा है क्लियर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दिस। ओके, एक यहाँ पे टूल और था जिसको बोलते हैं विंडोज क्लीनर। तो ये विंडोज क्लीनर में देखिए क्या क्या बता रहा है, क्लियर द रीसेंट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, क्लियर द स्टार्ट मेनू एंड ऑल दोस थिंग्स, एम्प्टी द क्लिपबोर्ड, एम्प्टी द रिसाइकल बिन, ये सब तरह के, डिलीट द थंबनेल कैशे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी क्लीन कर रहे हैं यूजिंग सीसी क्लीनर, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। तो आप इस टूल को यूज़ करिए और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल आपको लगेगा। मैं, अगर आपको इस टूल को क्लोज करना है, आप क्लोज बटन पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।